कैंट थाना क्षेत्र के छावनी रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार की सुबह करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने एयरफोर्स पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता को जानकारी दी, जिस पर एयरफोर्स पुलिस चौकी के प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर युवक गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। आनन फानन में चौकी प्रभारी ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां पर युवक का ऑपरेशन किया गया है, फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवक का धारदार हथियार से 70% से अधिक गला काटा गया है। अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, सीओ कैंट सहित संबंधित अधिकारी पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अभी कुछ निकालिए गाना। अभी आप रुक जाते जो मैं तो ठीक था ना। कहाँ भैया, क्यों रुक जाते सर? ये आज सुबह सूचना मिली थी 26/7/2021 को। एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति एयरफोर्स चौकी के बगल में छावनी मोड़ पर एक व्यक्ति है और घायल अवस्था में है, जिससे गले पर गंभीर चोट लगी हुई है। इस सूचना पर सदर अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से उसे फिर बीआरडी रेफर किया गया है। वहाँ उसका इलाज हुआ है और उसकी हालत ठीक है। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास है। जब उसकी फ़ोटो लेकर के आसपास के लोगों को दिखाया जा रहा है, उसकी पहचान के प्रयत्न किया जा रहा है। सर, इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके आगे अभी व्यक्ति को जब होश आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन लोग से मारने वाले, इसका कुछ पता चला? अभी इसके बारे में पता नहीं चला।